यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 IPO जिसमें आप कल से अप्लाई कर सकते हैं। कल 4 अगस्त से ये 4 IPO कल से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला जो IPO है उसकी बात करें, सबसे पहला जो IPO है विंडलास बायोटेक। तो विंडलास बायोटेक इसका जो, देखिए यहाँ पर कंपनी की सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो मिलियन में है तो अब इसको 10 से डिवाइड कर 63 करोड़ का प्रॉफिट था 2019 में। 2020 में ये घट करके हो गया 16 करोड़ का और 2021 में घट कर हो गया 15 करोड़ का। तो यहाँ पर तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने मिला है। अब देखिए, हम यहाँ पर डिटेल वीडियो तो आपको नहीं बना सकते, लेकिन इतना याद रखिए कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करना है तो पहले दिन रुक जाना है। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको भी सब्सक्राइब करना है, मतलब आपको भी अप्लाई करना है। अगर मिल गया आपको अलॉटमेंट तो लिस्टिंग गेन जरूर मिल जाएगा। किस IPO को, शेयर को अगर अलॉटमेंट मिलता है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। इसके लिए डिटेल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, तो डिटेल एनालिसिस आने वाली वीडियो को हम यहां पर करेंगे। लेकिन अभी जो IPO है उसको हम शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए, लिस्टिंग गेन के लिए ओवर सब्सक्राइब होता है तो निश्चित रूप से हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा और उसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना पड़ेगा। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार इंक्रीज हो रहा है तो चांसेस है कि लिस्टिंग गेन मिल सकता है। देखिए, ऐसा भी हुआ है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 रुपीज तक था लेकिन लिस्टिंग गेन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर आप डिटेल एनालिसिस करते हैं, कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का जो इश्यू साइज है वो भी कम होना चाहिए, इश्यू साइज कम है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस है कि अलॉटमेंट कम मिलेगा। लेकिन अगर मिल गया तो वहां पर हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें तो IPO जो ओपन होगा 4 अगस्त से होगा और क्लोज होगा 6 अगस्त को, तो आपको 4 अगस्त को रुक जाना है। देखना है, अगर यहाँ पर सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जैसे आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जो अलॉटमेंट डेट है वो 11 अगस्त और जो रिफंड मिलेगा वो 12 अगस्त को, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट जो होगा 13 अगस्त को, IPO लिस्टिंग डेट जो होगा वो 17 अगस्त होगा। इस तरह से कुछ IPO का डिटेल है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर एप्लीकेशन की बात है, मिनिमम 1 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 30 शेयर के लिए, जिसका जो अमाउंट होगा 13,800 रुपया होगा, और मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें मैक्सिमम 420 शेयर होगा और 1,93,200 रुपया इसमें आपको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर इश्यू साइज की बात है, देखिए उस शेयर को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रेश इश्यू हो, जिसमें ऑफर फोर सेल ज़्यादा हो, मतलब प्रमोटर्स शेयर को बेच करके निकल रहे हैं। तो वैसे कंपनी में आप जा कर के क्या करेंगे, अगर हाँ लगता है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी बेहतरीन, आने वाले समय काफ़ी अच्छा करने वाली, तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फ्रेश इश्यू जो है वो 165 करोड़ का है जबकि ऑफर फोर सेल 236 करोड़ का है। तो यहाँ ज़्यादातर ऑफर फोर सेल है, मतलब प्रमोटर्स आपको शेयर बेच रहे हैं। तो ऐसे शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करना है जब कंपनी काफ़ी बेहतरीन हो, आने वाले समय में कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है काफ़ी अच्छा है। अगर लिस्टिंग की बात करें तो NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होगा और जो IPO का लिस्टिंग डेट है 17 अगस्त है। तो ये हो गया पहला IPO। अगले जो कंपनी है, मतलब अगला जो IPO है वो है XRO टाइल्स IPO। XRO टाइल्स, देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पर मिलियन में है, 10 से डिवाइड 8 करोड़ का 2019 में प्रॉफिट था और 2020 के फाइनेंस 11 करोड़ का और यहाँ पर जो 2021 है इसमें हो गया 15 करोड़ का। तो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज कर करके आपको IPO को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है, मतलब IPO में जो शेयर अगर आपको मिलता है इसके लिए आप कंपनी के जो कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस है उसको देखना पड़ेगा, कंपनी जो है क्या करती है, कंपनी बिजनेस प्लान क्या है। और बात करें यहाँ पर अगर IPO की डिटेल का, तो IPO ओपन होगा 4 अगस्त को, क्लोज होगा 6 अगस्त को, तो आप 4 अगस्त को रुक जाइएगा। अगर IPO काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, आपके अगर अलॉटमेंट मिलता है अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलेगा। IPO जो लिस्ट होगा 17 अगस्त को। और यहाँ पर बात करें कंपनी के साइज का, जो कंपनी का इश्यू साइज है
उसमें 161 करोड़ का इश्यू साइज है, फ्रेश इश्यू हो रहा है 134 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल मात्र 26 करोड़ का। देखिए जितनी अच्छी कंपनियां होगी उसमें प्रमोटर्स आपको शेयर बेचता हुआ कम मिलेगा। यहाँ मात्र देखिए 26 करोड़ का जो शेयर है वो प्रमोटर सेल कर रहा है आपको, जबकि फ्रेश इश्यू काफी ज्यादा है। अब हम बात करें जो यहाँ पर साइज है, एक लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई करते हैं 125 शेयर होगा, 15,000 का अमाउंट इसमें लगेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें 1625 शेयर होगा और 1,95,000 रुपया इसमें यूज हो सकता है। तो मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर 2,00,000 तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 1,95,000 का लिमिट है जो कि 13 लॉट के लिए होगा। और यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो जो इश्यू से पहले है 56% है, पोस्ट इश्यू 42% इसमें प्रमोटर्स का स्टेक बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कम प्रमोटर्स स्टेक सेल कर रहे हैं, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स शेयर आपको बेच रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर थोड़ा आपको धैर्य रखना है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अदरवाइज आप लिस्टिंग गेन लेकर के निकल सकते हैं। अगर अगला बात करें, अगला जो IPO है वो है देवयानी इंटरनेशनल। देखिए प्रोनाउंसिएशन में कभी दिक्कत हो सकता है, तो प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान नहीं रखना है उतना। यहाँ पर कंपनी की बात करें, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो क्या एक लॉस मेकिंग कंपनी के IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए? तो लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं कंपनी करती क्या है। अगर आप उसको फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखता है कंपनी का, तो अगर IPO में आपको शेयर मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग गेन लेना है तो आपको, हमने सीधा उदाहरण बताया कि आपको देखना है IPO सब्सक्राइब कितना हो रहा है। IPO अगर काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है तो लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हैं, कंपनी काफ़ी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और इस कंपनी की बात करें IPO के डिटेल का, तो 4 अगस्त को ओपन होगा, 6 अगस्त को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 11 अगस्त को, रिफंड जो मिलेगा 12 अगस्त को, अगर IPO आपको नहीं मिलता है तो मनी रिफंड हो जाएगा। शेयर जो क्रेडिट होगा 13 अगस्त को, IPO जो लिस्ट होगा 16 अगस्त को, जबकि और दो जो IPO हमने बताया वो 17 अगस्त को लिस्ट होगा, यह 16 को ही होगा। अगर इश्यू साइज की बात करें तो इश्यू साइज है 1838 करोड़ का, तो देखिए 1838 करोड़ का है, जिसमें से 440 करोड़ फ्रेश इश्यू है, जबकि ज़्यादातर जो यहाँ पर देख स्टेक 1398 करोड़ का वो प्रमोटर आपको माल सेल कर रहा है, मतलब शेयर आपको बेच रहा है। तो ऐसे कंपनियों में तो निश्चित रूप से मैं जाना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छे दिखते हैं, कंपनी का बिजनेस में आगे काफ़ी ग्रोथ दिखता है, तो आप जा सकते हैं। साइज का तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 165 शेयर होगा 14,850 रुपये अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 2145 शेयर होगा और 1,93,050 रुपये लगेगा। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग बात करें 75.79 अभी प्रमोटर्स का होल्डिंग है कंपनी में, और इश्यू के बाद 67.99% मात्र प्रमोटर्स का स्टेक बचेगा इस कंपनी में। अब वहीं बात करें, अगला जो IPO है वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक, ये भी काफी बेहतरीन कंपनी दिख रहा है क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो चुकी है। देखिए यहाँ पर 2019 में 58 करोड़ का लॉस था, फिर यहाँ पर 111 करोड़ का 2020 में, फिर यहाँ पर 2021 में 184 करोड़ का प्रॉफिट में आ चुका है कंपनी। तो काफी बेहतरीन ये IPO दिख रहा है, लेकिन जब तक आप डिटेल एनालिसिस ना करते हैं तो नहीं जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस लाएंगे जो भी IPO लेकर के आएंगे। अगर IPO डिटेल की बात करें, 4 अगस्त को ओपन हो रहा है, 6 अगस्त को क्लोज होगा, बेसिक अलॉटमेंट 11 अगस्त, रिफंड 12 अगस्त को मिलेगा, 13 अगस्त को शेयर क्रेडिट होगा और 17 अगस्त को IPO लिस्ट होगा। इश्यू साइज की बात करें 1213 करोड़ का इश्यू साइज है, जिसमें से 4 करोड़ फ्रेश इश्यू है और इसमें भी देखिए ऑफर फॉर सेल काफ़ी ज़्यादा है, जितना फ्रेश इश्यू है उससे दोगुना तो फ्रेश इश्यू है, मतलब प्रमोटर्स आपको शेयर सेल कर रहे हैं 813 करोड़ का। और वहीं बात करें कंपनी के मतलब शेयर के अलॉटमेंट के साइज का, तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 15 शेयर हो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 14,310 रुपये लगेगा, मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 195 शेयर जिसमें होगा और 1,86,030 रुपये आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। और अगर इश्यू की पहले की बात करें तो शेयर इसमें जो प्रमोटर्स का है 31% है और पोस्ट इश्यू मात्र 27% बचेगा। तो ऐसे कम प्रमोटर्स वाले अगर कंपनी में आप जाना नहीं चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो निश्चित रूप से अवॉइड करते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन यहाँ पर अच्छा खासा आपको मिलता है तो आप जा सकते हैं। ऐसे इश्यू साइज काफ़ी बड़ा है तो हो सकता है लिस्टिंग गेन कम मिले, जितना साइज कम होगा और जितना कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगा वो उसमें लिस्टिंग गेन उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ये ट्रिक हमेशा अप्लाई कीजिएगा, अगर शेयर मिलता है ऐसे कंपनियों में जिसका इश्यू साइज कम हो फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलेगा। इस ट्रिक को अप्लाई करना है और अच्छा खासा लिस्टिंग गेन प्राप्त करना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।